हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, हम इस वीडियो में उन स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनको भाई आपको अपनी आंखों के सामने अपनी वॉचलिस्ट में रखना है और सही मौका आने पे इनको खरीदना है, किस लेवल पे खरीदना है वो भी डिस्कस करेंगे। भाई सबसे पहली कंपनी है एफल। ये दोस्तों वैसे तो एक स्मॉल कैप कंपनी है, लेकिन दोस्तों इसमें ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा हाई है। भाई इसका अभी जल्दी में ही आईपीओ आया था, आईपीओ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ये क्या करती है भाई, ये मोबाइल मार्केटिंग में काम करती है और भाई बिजनेसेस को डेटा को यूज करके पर्सनलाइज मार्केटिंग सॉल्यूशंस देती है। अभी आप इसको चार्ट पे देखेंगे तो भाई एमएसीडी इसमें ऑलमोस्ट सेल सिग्नल देने वाला है और आरएसआई भी बहुत वीक होने लगी है और यहाँ पे ये अपने 20 डे के मूविंग एवरेज के आसपास खड़ा है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से तो इसमें वीकनेस आना बाकी है, लेकिन अगर इसके आईपीओ की अगर बात करें दोस्तों, जो कि इसका आईपीओ अगस्त में ही आया था, तो भाई आप देखेंगे 86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा इंटरेस्ट था लोगों का इस कंपनी में और खूब सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इसमें इन्वेस्ट किया था। दोस्तों अगर इसके चार्ट को जूम आउट करके देखें आप, तो भाई आप यहां पे देखेंगे कि यहां अगस्त में ये लॉन्च हुआ था, 900 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी और उसके बाद दोस्तों ये भाई यहां पे इसने 2250 का भाई मैक्सिमम बनाया है, 2250 का 52 वीक हाई बनाया था इसने। तो भाई आप समझ सकते हैं पैसे को इसने ढाई गुना कर दिया था, वो भी कुछ ही महीनों में। तो इसी बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड भी हो गया था, मैं तो ये भी कहूंगा कि ओवरवैल्यूड भी था, लेकिन आपका पैसा भाई ढाई गुना कर दिया था इसने कुछ महीनों में। और उसके बाद इसमें काफी गिरावट देखने को मिली जब सारी मार्केट गिरने लगी, तो ओवरवैल्यूड स्टॉक्स जो होते हैं सबसे पहले गिरते हैं जब मार्केट गिरती है तो। लेकिन दोस्तों इसमें ग्रोथ अभी भी बहुत बाकी है और हमें इस पे नजर बना के रखनी है और सही लेवल पे खरीदना है। दोस्तों अगर इसके चार्ट को फिर से जूम इन करके देखें दोस्तों, तो मैंने तो इसको एक बार यहां पे खरीदा था जब इसमें अपर सर्किट लगना स्टार्ट हो गया था और जैसे ही इसका यहां पे अपर सर्किट खुला था मैंने तो यहां पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। लेकिन दोस्तों इसमें मैं दोबारा से इंटरेस्टेड हूं भाई, इसको मैं फिर से खरीदूंगा और इसको मैं खरीदूंगा 900 रुपए के आसपास, 900 से 950 के आसपास मैं इसमें फिर से इंटरेस्टेड हूं। तब तक तो मैं वेट करने के लिए तैयार हूं और मुझे ये अभी वीक भी लग रहा है, तो हो सकता है इसमें गिरावट आ जाए। तो गिरावट आती है तो अच्छी बात है दोस्तों, इसको आपको अपनी नजरों के सामने रखना है। अगला स्टॉक है एलएनटी। दोस्तों इस स्टॉक को तो भाई आईटीसी की तरह बहुत ज्यादा गिरा दिया गया है, बहुत ज्यादा पिट गया है ये स्टॉक और ये अभी फिर से वीक लग रहा है दोस्तों, तो हो सकता है इसमें अभी और गिरावट आ जाए। तो भाई ऐसी शानदार कंपनी में अगर गिरावट आती है तो हमें तो मौके ढूंढने हैं दोस्तों। और ये अगर फिर से उसी लेवल पे आता है जब मार्केट 7600 गई थी तो ये 700 पहुंच गया था, तो अगर ये फिर से उस लेवल पे आता है तो भाई मैं इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड हूं, तो आप भी इस लेवल पे नजर गड़ाए रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन। दोस्तों हम तो इसके लिए कब से वेट कर रहे थे खरीदने के लिए, लेकिन भाई ये अभी कुछ दिनों में बहुत ज्यादा वीक हो गया है। एमएसईडी ने सेल सिग्नल दे दिया है यहाँ पे और इसने यहाँ पे बोलिंजर बैंड के लोअर बैंड को टच कर दिया है और अब ऐसा लगता है कि यहाँ पे जैसे इसने बोलिंजर बैंड को नीचे ऐसे टच करके रखा था, ऐसे ही ये यहाँ पे इसको रखने वाला है कुछ दिन। आरएसआई भी भाई बहुत वीक होना स्टार्ट हो गई है, तो भाई अच्छी बात है, इसका मतलब इसमें और गिरावट आ सकती है। तो और गिरावट आती है तो हमें वेट करना है, अभी इसको जल्दबाजी में खरीदने की कोशिश नहीं करनी है, और गिरने दो दोस्तों इसे। और जैसे ही आपको इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ आती दिखे भाई इसको तब खरीदना है, हो सकता है ये 700 भी चला जाए दोस्तों, तो आपको 700 से 750 की रेंज पे भाई ध्यान रखना है और इसमें फिर अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है आपको, जैसे ही आपको इसमें थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ आती दिखे। तब तक के लिए आपको वेट करना है और अगर आपने ऑलरेडी इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो भाई घबराने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा स्टॉक है जिसमें आप कभी भी एवरेजिंग आसानी से कर सकते हैं, तो बिल्कुल आपको टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट स्टॉक है एशियन पेंट्स। दोस्तों आप में से कुछ लोगों ने तो इसको भाई 1700 पे भी खरीद रखा है दोस्तों, जबकि ये क्लियरली इतना वीक दिख रहा था और मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था कि इसके लिए अभी वेट करो। एशियन पेंट्स और पिडिलाइट दोनों ही बहुत ज्यादा ओवरवैल्यूड थे और इनको गिरना था कभी ना कभी, तो इनको गिरना ही था और अब भाई इनमें वीकनेस स्टार्ट हो गई है। एमएससीडी ने यहाँ पे सेल सिग्नल दे दिया था और इसने अपना 20 डे का मूविंग एवरेज जो कि मीडियन भी होता है बोलिंजर बैंड का, उसको भी तोड़ दिया था और आरएसआई भी बिल्कुल वीक हो गई है और इसमें अभी और गिरावट आ सकती है दोस्तों। तो और गिरावट आती है तो इसके लिए आपको और वेट करना है, एटलीस्ट आपको 1500 तक तो वेट करना ही है और उसके बाद भी ये वीक बना रहता है तो उसके बाद भी आपको वेट करना है। जैसा भी होगा मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा दोस्तों, तो इस पे आप अपनी नजर बना के रखिए। तो गाइज ये थे वो चार स्टॉक्स जिन पे आपको नजर रखनी है, जिनको आपको अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करना है और सही लेवल्स आने का वेट करना है। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।